educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। तो जैसे कि आपको प्लेस देख के आइडिया आ ही गया होगा कौन सी जगह पे आए हैं हम लोग। तो ये है मुंबई का CST। या आप कॉलेज स्टूडेंट हो या घूमने आए हो या जो भी है, CST स्टेशन पे तो ज़रूर आता है एक ना एक बार। तो यहाँ का आज आपको मैं फेमस जगह जो विंटर में है वो खिलाने आया हूँ। बता दो आपको मैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। स्पेशली विंटर चालू हो गया तो आप विंटर में क्या क्या खा सकते हो, फेमस शॉप्स कौन से यहाँ का वो दिखाऊंगा। और विद इन 1 किलोमीटर में रेंज में आपको क्या क्या मिल सकता है वो ये वीडियो में वही कवर होएगा। और ये फूड से हम लोग चालू करने वाले विद इन 1 किलोमीटर स्टेशन से क्या क्या आपको मिल सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव पॉकेट फ्रेंडली, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को और मज़े कीजिए। आपको वर्चुअली दिखा दो, फिर आप आके विजिट कीजिएगा तो यहाँ पर जरूर आएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। तो पहला शॉप था हमारा कैफ़े एक्सेलसियर में, क्योंकि हम लोग ने वीडियो दोपहर को बनाना चालू किया था, इसके लिए हम लोग ने सोचा चाय से बड़े ऑप्शन और क्या हो सकता है वीडियो चालू करने के लिए। तो ये ईरानी कैफ़े है जो कि CST के स्टेशन के विद इन 1 किलोमीटर अंदर आता है। अगर आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारे ईरानी कैफ़े मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको खाने के लिए भी ना बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बिरयानी, आइसक्रीम, पेटीज, पारसी कलेक्शन, तो बहुत सारे वैरायटी ऑप्शन सब एक रूप में मिल जाएंगे आपको खाने के लिए। तो आप आराम से आ सकते हैं और यहाँ पे एक विंटेज फीलिंग मिलेगी आपको, क्योंकि ये शॉप ना 100 साल से भी पुराना शॉप है ये, तो आपको विंटेज फीलिंग मिलेगी बहुत। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर किया था चाय और हमारा जो बन मस्का है, नॉर्मल हम लोग जो हर जगह जाके खाते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया ये कॉम्बिनेशन तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो इनका चाय भी एकदम हल्का था, स्वीट था, मस्त, ज़्यादा वो नहीं था। और बन मस्का के साथ तो हाँ, आप इनका बन मस्का देख सकते हैं, अंदर से बटर मारे अमूल बटर और ऊपर से बन भी इनका एकदम सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जैसा फर्स्ट बाइट लोगे ना आपको पता चलेगा कि ये बन ना बिल्कुल स्वीट नहीं है, जिसके अंदर चेरी है ना वो स्वीट है, उसका बाइट लोगे आपको तो स्वीटनेस आएगा चेरी का। और स्पेशली इनका कीमा पाव भी बहुत फेमस है, तो आप आ सकते हैं फैमिली फ्रेंड के साथ, जगह भी बड़ा है इनका, इंजॉय कर सकते हैं आराम से, और फ्रेंड और फैमिली से थोड़ी इधर उधर की बात भी निकाल लेना। सो नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे ट्राई किया था वेस्ट पैटीज, 50 रुपीस का आया था हमें। तो आप इसका साइज़ देख सकते हैं कितना सा है, और इसके अंदर जो फीलिंग भरे हुए थे इन लोग ने आलू के थे और कुछ वेजेस डाले हुए थे। तो जैसे मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया ना, तो इसका जो आउटर लेयर है वो बिल्कुल क्रंची नहीं था, सॉफ्ट था, लेकिन अंदर का जो फीलिंग का गर्म था, तो हल्का नॉर्मल सा टेस्ट था, इतना कुछ ज़्यादा खास टेस्ट नहीं था। तो इवनिंग स्नैक्स के लिए ठीक ठाक है, तो आप आके ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने चिकन पैटीज ट्राई करने का सोचा था, बट हमें मिला नहीं क्योंकि ख़त्म हो चुका था। कोई बात नहीं, फिर भी मज़ा आया हमें टाइम स्पेंड करने में। सो नेक्स्ट हम लोग आ गए थे शान चाइनीज़ में, ये भी एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है CST का। स्पेस ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे बैठने, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे शाम हो रही थी तो ठंडी बढ़ने लगी थी, इसके लिए हम लोग ने सूप पीने का सोचा। तो विंटर स्पेशल एक सूप मिलता है यहाँ पे जिसका नाम है चिकन लंगफंग। तो इसमें क्या होता है, बॉयल चिकन रहता है और जो अंडे का वाइट ऊपर का लेयर रहता है ना वो फोड़ के डालते हैं इसमें, तो इस तरह का ये सूप बनता है। विंटर में बहुत सही लगता है और अच्छा रहता है पीने के लिए। तो ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए एक ना एक बार। 120 रुपीज़ का आता है, 2 जन के लिए इजीली हो जाएगा 1/2 करके। तो आप आके ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। सो थोड़ी गर्मी लेने के बाद चलते चलते हम लोग पहुंच गए हमारे नेक्स्ट शॉप पे, भारतीय मिष्ठान, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे इनके मसाला दूध और जलेबी के कॉम्बिनेशन के लिए। और विंटर में नॉर्थ साइड में तो ये बहुत ही फेमस है, मसाला दूध और जलेबी हर कोई खाता है, तो आप यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्म गर्म दूध ऊपर से मलाई, मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग को गर्म गर्म जलेबी भी बना के मिल रहा था, तो ये फुटेज भी हम लोग ने रिकॉर्ड कर लिया जलेबी बनाते बनाते। तो देख सकते हैं आप इनकी स्किल कितना फटाफट जलेबी बना रही है। तो चलिए फटाफट खा के देखते हैं ये जिस चीज़ के लिए फेमस है वो कितना सच है और कितना झूठ है। तो आप देख सकते हैं जलेबी तो बहुत गर्म गर्म था, कलर भी बहुत सही लग रहा है इसका। और जैसे मैंने ना इसका फर्स्ट बाइट लिया ना, एक तो पहले बहुत क्रिस्पी था ये, गर्म गर्म था इसके लिए, और जैसे मैं दूध में डुबा के खाया ना, आहा, बहुत सही था। ये कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, अगर आपने कभी किया नहीं तो यहाँ पे आके ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये कॉम्बिनेशन। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, सही था ओवरऑल, और पैसा वसूल कॉम्बिनेशन था।
तो चलिए अभी आपको मैं ले चलता हूँ CST स्टेशन के सामने, यहाँ पे बहुत सारे फूड शॉप्स हैं तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो जैसे आप CST स्टेशन से उतरोगे सबवे आता है, वहाँ से आपको आना है सीधा सीधा गेट नंबर 1 पे, तो आपको यहाँ से लाइन से शॉप दिख जाएंगे खाने के। तो यहाँ पे ये इजी भी है और आपको कहीं घूमना भी नहीं पड़ेगा, और इतनी लंबी गली है ना ये, यहाँ पे आपको शोरमा खाना है, बिरयानी खाना है, तवा पुलाव खाना है, पाव भाजी खाना है, सोडा पीना है, सो बोले तो A to Z आइटम आपको यहाँ पे खाने को मिल जाएंगे, वो भी सस्ते दाम पे। जैसे आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था, कॉलेज स्टूडेंट हो या लेबर हो या घूमने आए हो या पैसा खत्म हो गया आपके पास थोड़ा बाकी है घूमते घूमते, तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो। तो ये वीडियो में मैंने थोड़े बहुत शॉप कवर किए जो पॉकेट फ्रेंडली है और आप फेमस हैं, आप खा सकते हो। तो यहाँ पे एक सुख सागर करके छोटा सा शॉप है, कैनन पाव भाजी के सामने बाजू में ही है। तो यहाँ पे आपको सैंडविच से लेकर पिज्ज़ा से लेकर सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे कवर किया वो चाइनीज़ भेल। मुंबई में ना वड़ा पाव के बाद एक चीज़ खा सकते हो पेट भर के सस्ते दाम में, जो कि चाइनीज़ भेल है। आप ये एक प्लेट ले लो और पानी पी लो, आपका पेट भर जाएगा, 3 से 4 घंटा आपको भूख नहीं लगेगा, इतना सही चीज़ है ये। तो ये चाइनीज़ भेल मंचूरियन कॉम्बो लिया मैंने, जो कि 30 रुपये में आएगा आपको। तो मंचूरियन और चाइनीज़ भेल दोनों मिल जाता है इसमें आपको, तो ना इतना सही लगता है ना, बचपन में मैं बहुत खाता था यहाँ पे आके ही है, तो बहुत सही है। आप आके खाइए और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो। और इसका ना ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था, एकदम मीडियम बैलेंस था, ये मज़ा आ गया। और फिर ये खाने के बाद हम लोग ने 1-2 घंटा टाइम पास किया, बिकॉज हम लोग को CST का ये लाइटिंग देखना था जो कि चेंज होता है हर दिन। ये लाइटिंग देखने के लिए हम लोग रुके थे टाइम पास के। और फिर यहाँ पे इसके सामने एक आरम वड़ा पाव करके एक शॉप है, जो कि 150 ईयर से भी पुराना शॉप है, और यहाँ पे हम लोग मेन रुके थे वड़ा पाव खाने के लिए ये लाइटिंग के साथ। तो आपको नॉर्मल वड़ा पाव 20 में मिलेगा, हम लोग ने चीज़ वड़ा पाव खाया था जो कि 40 का था, और ये लाइटिंग के सामने खड़े होके वड़ा पाव इन्जॉय करने का मज़ा ही कुछ और होता है भाई। आप इन्जॉय करिए आके नाइट में स्पेशली, मज़ा आ गया। और बात करें वड़ा पाव के टेस्ट की, तो ये नॉर्मल है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वड़ा बड़ा है, आपका पेट भर जाएगा आराम से अगर आप खाते हो तो, बस यही। और विंटर में ना यहाँ पे और एक चीज़ मिलता है जो कि कोथिंबीर वड़ी बोला जाता है, महाराष्ट्र में ये बहुत ही फेमस है, और विंटर में स्पेशली बहुत मज़ा आता है इसे खाने में, जो कि अक्सर बहुत लोग मिस कर देते हैं और बहुत लोग को पता नहीं है। तो आप यहाँ पे आते हैं तो वड़ा पाव तो खाइए, नहीं तो ये कोथिंबीर वड़ी आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, अच्छा लगता है ये, बहुत मज़ा आया। 40 रुपीज़ का मिला हमें, 4 पीस मिला आई थिंक। तो विंटर में आपको ये स्पेशली ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मेरा स्पेशल रिकमेंड है आपको, तो मज़ा आया वो कोथिंबीर वड़ी खा के। तो इसके बाद हम लोग आ गए एंडिंग में, तो हम लोग ने सोचा आए हैं तो कैनन पाव भाजी तो बहुत ही फेमस है, ये भी ट्राई करके चले ही जाते, आपको बता देते कैसा था ये। तो मेरा तो पेट भरा हुआ था, तो अमर को ये ट्राई करने बोला मैंने, तो ये हम लोग ने लिया था अमूल स्पेशल पाव भाजी, जो कि 110 रुपये का आया हमें। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, इसका टेस्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा, इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि इसमें बटर इतना था ना, आपको बटर का टेस्ट आएगा बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। और यहाँ पे स्पेशली आपको ऐसा ही मिलेगा पाव भाजी, तो ठीक था क्या, अगर आप घूमने घूमने आते हो तो आप खा सकते हो आपके फैमिली के साथ। तो बस यही था वीडियो में, अगर आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा और बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कहाँ पे चाहिए। But I'm so frustrated. Hello to my